दोस्तों भूल जाओ बाबर आजम, भूल जाओ मोहम्मद रिजवान। अभी हुआ है एक धाकर बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला शुरू होने से पहले एक धाकर बल्लेबाज का पाकिस्तान टीम में एंट्री। तो क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे पूरा खबर इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग भी पाकिस्तान टीम का एक सच्चा फैन हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब कराइए बिना किसी देर के। हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच एक मुकाबला कल के दिन खेला गया था, जहां पर इस मुकाबला में पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा रनों के अंतर से एक बहुत ही बड़ा हरा के यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम ने एक बेहतरीन जीत हासिल किया। लेकिन तो पाकिस्तान टीम का सभी बल्लेबाज बहुत ही फ्लॉप चल रहे, जिस वजह से पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर यहाँ पर PCB के अंदर जो गुप्तगु करते हुए यहाँ पर जो बाबर आजम और यहाँ पर जो मोहम्मद रिजवान को टीम में मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन बाबर आजम मोहम्मद रिजवान कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो मोहम्मद हारिस को मौका दिया जा रहा है। ये दोस्तों मोहम्मद हारिस वही खिलाड़ी जो कुछ दिनों से चोटिल के कारण प्लेइंग 11 से बाहर चल रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी अभी और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला में एंट्री करने जा रहा है। इस खिलाड़ी का नेट रन बात कर लेते हैं, अभी नेट प्रैक्टिस में ही हाल ही में ही एक ओवर में जो बेहतरीन पारी खेला, जो 50 गेंदों में शतक या पारी खेल रहा है इस खिलाड़ी। तो आप बंदों की क्या राय है मोहम्मद हारिस को लेके, क्या मोहम्मद हारिस प्लेइंग 11 में आने से क्या पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को हरा पाएगा या नहीं? आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं कमेंट में। आगे खबर पाने के चैनल को